यहाँ ये देखिए क्या कह रही है, कह रही नेता लोग वोट ले लिए, जनता को कुछ कह रही है। अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी जी से अपना पल्ला झाड़ रही है, इनके लिए उचित मुआवजे का प्रबंध करना चाहिए, इनके यहाँ रहने का खाने का दवाइयों का उचित प्रबंध करना चाहिए। मुआवजा मिला, मुआवजा कुछ पैसा वैसा मिला? पैसा नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, खाली खाना मिला, पानी का बहुत दिक्कत है, पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी का लाइन लगना पड़ता है, पानी तक नहीं दिया जा रहा है। अभिषेक भाई देखिए, जनता जनता के लिए काम करने की बजाय ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आम आदमी पार्टी ज्ञान लेके आती है, कह रहे बांध से बीजेपी ने पानी छोड़ दिया तो डूब गए, मतलब बांध इसलिए बनते हैं ताकि हरियाणा डूब जाए, पूरा पानी इधर, इसका मतलब आपके ये बताइए बताइए ये बताइए ये बताइए ये बताइए कि बीजेपी वाले इनके साथ बैठ जाते हैं भाई, और बैठ के कहते कि रास्ता निकालते हैं, लड़ क्यों रहे? आज आपने देखा कहाँ जा रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री की दौड़ के लिए भाग रहे हैं अलग अलग स्टेट। ये सिस्टम में डिबेट होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उपाध्याय जी कि भारतीय जनता पार्टी हो आम आदमी पार्टी हो, और मैं समझता हूँ कि जो देश की जनता और पार्टी के नेता जो कुछ भी बताते हो, लेकिन आपको दिल्ली की जनता को सच बताना चाहिए कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज थी, आज तीन महीने से आम आदमी पार्टी, मैं यहाँ तो बात रख लूँ, नगर निगम में आम आदमी पार्टी अभी अभी आई है, उसके बाद लुटियन जोन में चले जाइए, लुटियन जोन में काम करने की जिम्मेदारी इनकी, पीछे से एलजी साहब को लगा देते हैं, जमीन तुम्हारा नहीं बोलते हैं, मकान तुम्हारा नहीं बोलते हैं, आसमान तुम्हारा नहीं बोलते हैं, ये जहाज तुम्हारा, नुकसान हो गया मालिक है, जहाँ सुनिए जो अच्छा हुआ वो आपकी जिम्मेदारी, एमसीडी भी, अरे पर एमसीडी भी आपकी, दिल्ली सरकार भी आपकी जिम्मेदारी, कितने दिनों से सर, कितने दिनों से, दो महीने के अंदर उपाध्याय जी सर, दो महीने के अंदर क्या कोई भी आदमी जादू का छड़ी लेकर काम कर जवाब दे रहा हूँ, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में दिल्ली एमसीडी का बेड़ा गर्क कर दिया, पिछले 6 महीने पहले हमारी सरकार आई, 6 महीने के अंदर सुनिए मेरी बैराज है, मैं बता रहा हूँ बैराज है, बैराज इज अंडर बीजेपी गवर्नमेंट, अब बैराज एमसीडी भाई भारतीय एमसीडी एमपीडी कंट्रोल भाई आम आदमी, 86,000 मीट्रिक टन हमने फ्लीट निकाल करके, करोड़ रुपया इन्होंने नाली सफाई के नाम पे भ्रष्टाचार में खाया है, पार्टी मंत्री का चेहरा बता रहा हूँ इनका, ये कुछ कह रहे इधर आइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप दोनों, आप आम आदमी से हो ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी से हो, सबसे पहले आप आपस में लड़ रहे हो, इससे पब्लिक को क्या फायदा है ये बताओ, बात कही है भाई, तालियां इसके लिए, नेता लड़ रहे हैं पब्लिक को क्या फायदा, दोनों पार्टियों से हो ठीक है, पब्लिक के लिए आप दोनों, आप केंद्र सरकार में हो वो क्या, सॉरी इधर देखो आप दिल्ली सरकार में, आप पूरे इंडिया के लिए हो ठीक है, तो आप दोनों पार्टी मिलकर आम आदमी पार्टी को तो, वो आम आदमी को तो करो ना इसको, इसमें आप मतलब आपस में लड़ रहे हो, कोई बात समझ नहीं आ रहा है, बताओ ठीक है ठीक। मैं भाई साहब ये कह रहा हूँ, जो परेशानी चल रही उसको आप परेशानी दूर, नया समस्या नेता है, ये पार्टी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ, इसे क्या मतलब है, ये तो कह रहे मदद, उसे क्या, ये कुछ नहीं कर रहे, कह रहे मदद, ये सब अपने अपने खड़े हुए हैं बस, ठीक है रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, और नेताओं के पास जाए उससे पहले एक व्यक्ति यहाँ, ये देखिए मुरमुरा लेके खड़े हैं, ये छुपा कह रहे हो, दिखाओ ना ये कौन दिया मुरमुरा, बांट रहे हैं लोग, ये किससे क्या क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा ना, ये कबाड़ा दे दिया, इतना ही पैसा है सरकार के पास, लोग परिवार में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं बस, यही एक मुरमुरा, ये तोहफा दिया है। हाँ यही तोहफा है, बाढ़ का तोहफा, यही सबकी हालत है, देख नहीं रहे आप, नहीं देख रहे आप, बातें बड़ी बड़ी सब हो रही है, हाँ हम करोड़पति दान कर रहे हैं बहुत बड़ा, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये भंडारे चल रहा है परमल, कुछ नहीं मिलना, ठीक है इनसे भाई साहब से बात कर ले, मैं आपको पैसा, अभिषेक भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, 5 राज्यों में भीषण बाढ़ की स्थिति है और वो फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, एक बार भी लुटियन जोन में रहने वाले लोगों को, इन झोपड़ी में रहने वाले लोगों की छूट नहीं आती, केजरीवाल के आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं मैं वही पे मोदी और केजरीवाल, इतनी बड़ी सजा देंगे इन लोगों ने, यदि बीजेपी को वोट नहीं दिया है तो इतनी बड़ी सजा देंगे आप इनको, इनको खाने पे लाले पड़े हैं, और आप ये तो दिल्ली सरकार का भी, मैं यही कह रहा हूँ सरकारी कि दिल्ली सरकार के जब अधिकारों की बात होती है तो केंद्र कहता है कि आधा अधिकार मेरा है, मैं इस पे फैसला, देखिए इस आपदा और विपदा में भी इन लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है मुझे समझ से परे है, कि जो पहले से शेड्यूल कार्यक्रम है प्रधानमंत्री इसलिए गए, आपकी तरह नहीं है कि बारिश हो रही थी और आप हरियाणा में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, सुन लीजिए बात सुन लीजिए, और इस टाइम आपको मदद की जरूरत है, आपने क्या दूसरी नेताओं से बात करी, सर्वदलीय बैठक बुलाई, किसी ने आम आदमी पार्टी के, ये बताइए मुझे जवाब, मुझे जवाब
अभिषेक भाई, अभी तक मुझे लगता था कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बड़े जिम्मेदारी के फंद कहां लग रहा है, जवाब लेने देने दो। प्राकृतिक लग ही नहीं रहा। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दिल्ली के अंदर बाढ़ कराया गया, नंबर एक। दूसरी तरफ अंतर स्पष्ट है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी राजनीति सेवा के लिए करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति फट्टा के लिए करती है। वही वही कारण है। देखिए ये किस प्रकार से जनता की मदद करेंगे, ये हमें प्रायोजित, ये वही तो कह रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आते हैं। ये हर साल की आपदा है, नई राजनीति करने के बहाने सरकार बनी। वीडियो देखिए, सच्चाई ये है, सच्चाई है, वहाँ पर एक बैराज, इनको बोलवा दीजिए, पहले इनको बोलवा, वहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, वो बांध नहीं है, उसकी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के बाद अगर उस कैपेसिटी में पानी आएगा तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा। क्या गलती है, बहाना बनाने के नए नए तरीके जानते हैं, इतने नए नए बहाने बनाते हैं जिसकी वजह काम न करना पड़े। देखिए भाई साहब, बड़ी शांतिपूर्वक मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोनों पार्टियों से। सबसे पहले हमारी यमुना मैया के अंदर अवैध रूप से जितना अतिक्रम हुआ है, थी ना, वो गंभीर सब विषय है, पुराना अतिक्रम। हाँ सुनो, और रही केजरीवाल जी की बात, उनसे जैसा ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बेटे की कसम खा के कह रहा दिल्ली दिल्ली तक कोने तक पानी पहुंचा देंगे, आज कोने कोने पानी। उनके सवालों का जवाब लेंगे, इनके पास लौट करके आएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।